हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। एस्पायरेंट्स, आज हम यूपी कॉलेज के एमएससी एजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स इन उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट सीड रिक्वायरमेंट किलोग्राम पर हेक्टेयर इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है सिक्स, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हर्बिसाइड मेट सल्फ्रॉन मिथाइल किल्स, इस क्वेश्चन का जो थर्ड जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो ब्रॉड लीव्ड वीड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, नर्सरी एरिया रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, 800 to 1000 meter square। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ कोडो मिलेट इज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पेस्पेलेपम स्कॉर्बिक्युलेटम। फिर जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन लैटिन स्क्वायर डिजाइन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी बिटवीन, जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। फिर जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, फॉर 80 grams ऑफ फॉस्फोरिक एसिड सिंगल सुपर फॉस्फेट रिक्वायरमेंट विल बी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 500 grams। फिर जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, सोडिक सॉइल हैव, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायरमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया फॉर वीट वेराइज बिटवीन, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 250 to 400 mm, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा जो टेंथ क्वेश्चन है, पोटेशियम रिक्वायरमेंट इज रिलेटिवली हायर इन, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुगर केन, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर जो हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनफ्लेक्शन पॉइंट इज करेक्ट, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन एंटरप्राइज फॉर अदर इज पॉजिटिव देन द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्राइज इज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इज करेक्ट आंसर। फिर जो हमारा 13th क्वेश्चन है, प्रेजेंट 5-year प्लान 2017 to 2022 इज नोन एज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 13th 5-year प्लान, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। फिर जो 14th क्वेश्चन है, नेम ऑफ स्टेट वेयर मेन ऑफिस ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बॉडी इज सिचुएटेड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, गुजरात जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा 15th क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड इज अ क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इस ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इस ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अगस्त 1988। फिर जो 16th क्वेश्चन है, NAFED इज ए, तो NAFED क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा 17th क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्लेन, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, वेयर TC इज इक्वल टू TR। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSP ऑफ वीट पर क्विंटल फॉर ईयर 2020 to 2021 इज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1925 rupees, मतलब जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। फिर जो हमारा 19th क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, तो फ्रेंड जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 56 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर जो 20 क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ लीड बैंक स्कीम इज टू, तो जो लीड बैंक स्कीम है उसका क्या पर्पज है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कॉमर्शियल बैंक्स सपोर्ट्स RRBs। फिर जो हमारा नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी हार्ड चीज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लिमबर्गर, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22nd, इन स्टोक्स लॉ अप्लाइड टू सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन एन रिप्रेजेंट्स, तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्पीड ऑफ जो बॉल है मतलब RPM में जो होता है वो स्टोक्स लॉ में एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर जो हमारा 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट हैज़ लोएस्ट डेंसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट हैज़ लोएस्ट डेंसिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर, मतलब जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो 24th क्वेश्चन है,
होम ट्रैक्ट ऑफ एसील ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आंध्र प्रदेश जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो 25th क्वेश्चन है, जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वीन इज, जो जेस्टेशन पीरियड होता है स्वीन का वो डेज में कितने होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 114 डेज। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फिल्टरेबल वायरस, तो फिल्टरेबल वायरस से कौन सी डिजीज होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, फुट एंड जो माउथ डिजीज जो कि कैटल्स में होती है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है हर ईयर, तो आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो हमारा 27th क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज इज सिचुएटेड एट, फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिसार, मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा 28th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FSSAI मिनिमम फैट एंड SNF परसेंटेज इन काउ मिल्क शुड बी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3.2 एंड 8.3, मतलब 3.2 मिनिमम फैट होना चाहिए और 8.3 मिनिमम SNF परसेंटेज होना चाहिए काउ के मिल्क में। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29th, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन ग्राम्स पर डे इन ईयर 2017-18 इज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 375, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, 375 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा जो 30 क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस ऑफ काउ मिल्क घी इज, जो गाय का जो घी होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 28 to 41 डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, ए प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स ऑफ पीपुल देमसेल्फ आर यूनाइटेड विथ दोज ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटीज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ कम्युनिटीज, द स्टेटमेंट डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पर्टिकुलरली, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर जो हमारा 32nd जो क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प विथ इंटीमेट एक्सपर्ट काउंसिल वॉज द कोर वर्किंग फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। फिर जो हमारा 33rd जो क्वेश्चन है, एक्सटेंशन पर्सनल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क एंड ऑनली एग्रीकल्चर, द स्टेटमेंट सिग्निफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ टी एंड वी सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स। फिर जो हमारा 34th क्वेश्चन है, ए प्लेस फॉर एवरी थिंग एंड एवरी थिंग इन इट्स प्लेस डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टाफिंग, मतलब जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर मूव करते हैं हम अपने 35 क्वेश्चन पे, जो हमारा 35 क्वेश्चन है, डैश इज द रिलेटिव स्पीड विथ विच एन इनोवेशन इज एडॉप्टेड बाई मेम्बर्स ऑफ सोशल सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रेट ऑफ एडॉप्शन, मतलब रेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो 36th क्वेश्चन है, डैश अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और डिसीजन यूनिट सीक्स रिइंफोर्समेंट ऑफ एन इनोवेशन डिसीजन ऑलरेडी बीन मेड और रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन इफ एक्सपोज टू कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज अबाउट द इनोवेशन, तो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट जो है बहुत क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है ए, कॉन्फर्मेशन स्टेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन करके आता है। फिर जो हमारा 37th क्वेश्चन है, इफ़ द एडॉप्टर्स ऑफ एन इनोवेशन आर प्लॉटेड ऑन कम्युनिटेटिव मेंबर ऑफ एडॉप्टर्स वॉट विल बी द शेप ऑफ द कर्व, तो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है ए, मतलब जो एस शेप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक टर्म है, इसे आप लोग एक बार जरूर अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा 38th क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच कैटेगरी हैज़ हाइएस्ट डिग्री ऑफ ओपिनियन लीडरशिप इन मेजोरिटी ऑफ सोशल सिस्टम्स, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, जो अर्ली एडॉप्टर्स है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा 39th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परसीव्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इनोवेशन, तो
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इनोवेटिवनेस। जो इनोवेटिवनेस है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा 40 क्वेश्चन है, ही वुड नॉट वर्क नाइदर शैल ईट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसका प्रिंसिपल है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स, उन्हें आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। देन हमारा जो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, इन एन एयर टाइट ग्रेन स्टोरेज इंसेक्ट्स आर किल्ड व्हेन द ऑक्सीजन लेवल्स फॉल्स टू अबाउट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2%। मतलब 2% से नीचे अगर ऑक्सीजन का लेवल होगा तो ग्रेन स्टोरेज जहाँ पे होता है वहाँ पे इंसेक्ट जो है वो किल्ड हो जाएंगे। फिर जो हमारा 42 क्वेश्चन है, एनी कंडक्ट इन विच वाटर फ्लोज विथ अ फ्री वाटर सरफेस इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बोथ वाटर एंड विंड इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाई, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, इन तीनों जो ये टर्म है फ्रेंड्स, आप इन्हें एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा। फिर हमारा 44th क्वेश्चन, पार्शल फ्यूम्स इज यूज फॉर मेजरिंग, जो पार्शल फ्ल्यूम होता है ये किस चीज़ के मेजरिंग के लिए यूज होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इरीगेशन वाटर एट फील्ड हेड। जो इरीगेशन ऑफ वाटर एट फील्ड हेड है, इसका हम लोग इसको मेजर करने के लिए पार्शल फ्ल्यूम्स का यूज़ करते हैं। फिर जो हमारा 45th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट वो है 22nd मार्च। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46, ऑरिएंटेशन ऑफ द ग्रीन हाउस इज नॉर्मली सुटेबल इन, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट वेस्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 47th क्वेश्चन है, द क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन एंड रिफ्रेंस इवेपोट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्रॉप कॉफिशियंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक हार्ड पैन ऑफ सॉइल इज, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सब सॉइलर। सब सॉइलर जो है ये हार्ड पैन जो होता है सॉइल का, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रेस्प बार टाइप थ्रेशिंग सिलेंडर्स आर जनरली यूज्ड इन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, वीट थ्रेशर जो है ये यूज किया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, द IHP ऑफ इंजन इंडिकेटेड ऑन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पावर ऑन पिस्टन। फिर जो हमारा क्वेश्चन है 51, लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर बिलोंग टू द फैमिली, जो लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर्स होते हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच वन इज नेशनल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नोटा आर, नोटा क्या होता है, तो नोटा इज डोर्सल स्केलेरिटिस ऑफ थोरेक्स, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कॉटन कुशन स्केल इज द पेस्ट ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिट्रस। आज का जो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा 55th क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सेलुलोज ईटर इंसेक्ट, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर आपको इस क्वेश्चन का जो PDF है अगर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप का नंबर है DNS का, वहाँ पर मैसेज करके आप इसे ले सकते हैं। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस WhatsApp से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 56, विच वन इज नॉक्टर्नल इंसेक्ट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेलिकोफेरा एमाइग्रा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोप्थेरा डोमिनिसिया इन्फेस्ट, ये कौन, ये जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, स्टोर्ड कॉमोडिटीज। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, डैमेजिंग स्टेज ऑफ नॉक्टोइड्स इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, कैटरपिलर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, LC50 इज,
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच वन इज बायो कंट्रोल एजेंट, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सी, कॉम्पोलिटिस क्लोराइडी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा जो 61 क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी कॉज बाय ज़ैंथोमोनास ऑरिजी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊज टेस्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, प्लांट पैथोजेनिक वायरॉइड कंटेन्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, जो है आरएनए ओनली जो है वो राइट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, लूज स्मट ऑफ वीट इज अ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, मैग्नोपोर्थिग्रेसिया जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 65, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, मैनोजेब जो है इससे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, ओरोबेंच स्पीसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टोटल रूट पैरासाइट। फ्रेंड्स जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसे आप क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके एग्जाम्पल्स ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, नीमेटोड्स पेनिट्रेट प्लांट टिश्यू विथ हेल्प ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए जो है स्टाइलेट, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द सेक्सुअल स्पोर ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ऊ स्पोर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा 69 क्वेश्चन, फंजाई बिलोंगिंग टू अदर यूरेटिनल्स आर नोन टू कॉज, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह है बी, रस्ट डिजीज जो है वो कॉज किया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है फाइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ओकरा बिलोंग्स टू फैमिली, तो ओकरा आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ओकरा है वो डी जो है मैलेवेसी जो होती है फैमिली उससे बिलोंग करती है। फिर 72 क्वेश्चन है, माल फॉर्मेशन इज ए डिजीज फाउंड इन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है मैंगो, माल फॉर्मेशन जो है मैंगो में होती है। फिर जो हमारा 73 क्वेश्चन है, रोबस्टा इज द वेराइटी ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जो रोबस्टा है वो बनाना की एक वेराइटी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 74, साइंटिफिक नेम ऑफ क्यूकुम्बर इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, क्यूकुमिस सेटाइवस जो है वो राइट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू, तो जो चिली है उसमें पंजेंसी जो आती है वो कैप्सिन से आती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, पाइनएप्पल बिलोंग्स टू फैमिली, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमेलिएसी जो है ये राइट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रूट क्रैकिंग इन टोमेटोज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। फ्रेंड जो डेफिशिएंसी और उनके डिजीज़ होते हैं आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछ जाते हैं, बार बार पूछ जाते हैं, हर ईयर एक या दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि टॉपिक है, तो इसे आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेट फ्रूट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, आप सभी लोगों को पता होगा एप्पल जो है टेम्परेट फ्रूट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पुवन इज द वेराइटी ऑफ, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो बनाना है वो एक पुवन वेराइटी है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो वेराइटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा 80 क्वेश्चन है, ब्रेसिया ओलेरेसिया वेर ग्रैमिनी फेरा कॉमनली नोन एज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, ब्रसेल स्प्राउट जो है वह राइट ऑप्शन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिवाइन बिलोंग्स टू ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है ये हमारा 81 का जो ऑप्शन है वो ए जो है कि ऑर्थोसिलिकेट जो है वो राइट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ओलिवाइन बिलोंग्स टू ग्रुप, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ऑर्थोसिलिकेट जो है ये राइट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, क्लोराइट इज क्ले मिनरल ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, 2:1:1 इज द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, फार्मूला ऑफ कैलोजन रिएजेंट इज, जो कैलोजन रिएजेंट है उसका क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, Na6P6
ओ 18 ये जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 84, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड ड्यू टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, जो आपका मैंगनीज होता है उसकी जो कमी होती है उससे क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन डिजीज हो जाती है। देन जो हमारा नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, फॉर प्लांट ग्रोथ ऑप्टिमम ODR इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20 to 10 to the power -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कैंकर नोड्यूल्स आर फाउंड मोस्टली इन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी रेड सॉइल। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो नन ऑफ दीज है, इसमें से मतलब कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, फॉर नाइट्रिफिकेशन द ऑप्टिमम पीएच इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी 8.5 जो है वो ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द वैल्यू ऑफ वन बेमलिन फैक्टर इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 1.724 इज द करेक्ट आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, द फार्मूला ऑफ CaN इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी CaNH4Na3 का होल ट्वाइस, जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इन अ सेल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर, तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम्स। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ब्रैसिका ट्राइंगल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेट्राप्लॉयड स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड वॉज प्रपोज बाई, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी नागाहेरुवी जो है इन्होंने डेवलपमेंट किया था टेट्राप्लॉयड स्पीसीज का। फ्रेंड्स अगर आपको इस पेपर का जो PDF अगर वो चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ DNS का WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज करके DNS सारी जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम रिलेटेड और जितने भी पेपर्स के PDF होंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो फटाफट से आप WhatsApp को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को यूज़ कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ आएगी वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो हमारा 93 क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कर्ट स्टर्न जो है ये राइट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द फर्स्ट इंटरजेनिक क्रॉस बिटवीन वीट एंड राई वॉज मेड बाई, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी रिमपाउ जो है इन्होंने सबसे पहले वीट एंड राई का क्रॉस कराया था। फिर हमारा जो 95 क्वेश्चन है, मेजर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है ये राइट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्रेट दैट अकर्स ओनली इन वन जेंडर इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है डी सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच ब्रीडिंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी प्योर लाइन सेलेक्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, डबल मोनोसोमी हैज अ जनरल फार्मूला, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 2N-1-1, ये जो है हमारा बी राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 99, एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलॉगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रांसलोकेशन जो है ये राइट ऑप्शन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 100 क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स गिव्स द रेशियो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन है वह 9:7 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फ्रेंड्स अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में DNS ग्रुप का WhatsApp नंबर है वहाँ पर आप WhatsApp करके सारे PDF और जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हैं आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।